हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाने का तरीका बताऊंगा। हमने नीलॉन्स कंपनी का पैकेट यूज़ किया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। बाज़ार में और भी कई सारे पैकेट मिलते हैं, मावे मिलते हैं। पैकेट को खोलने के बाद पाउडर को बाहर निकालना है। ये पैकेट है 170 ग्राम पैकेट है। इसमें 65-70 ग्राम ml पानी यूज़ करना है मिलाने के लिए लगभग। खाली हो चुका है पैकेट, हम इसमें उसको मिलाएंगे। अब इसी तरह से पहले हाथ में मिलाना है पानी, बाद में डालना है, पर धीरे धीरे करके पानी डालना है, एक साथ में डालना है। जैसी ज़रूरत हो वैसी वैसे ही पानी डालना है। धीरे धीरे करके देख लो मैं डालूँगा, ऐसे डालना है आपको पानी। अच्छी तरह से पाउडर मिलने के बाद में आप दूध भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा नरम करके यार। चेक कर लेना आटा हमारा गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयार है या नहीं है। हमारा आटा तैयार हो गया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। पाउडर एकदम तैयार है। अब हम इसके बनाएंगे गुलाब जामुन। थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं, तब तक हम सांसनी बना लेते हैं। सांसनी बनाने के लिए 750 ग्राम हमने चीनी ऐड की थी, 800 ml पानी लिया था। पानी में पानी को घोल बनाकर एक तार की सांसनी बनाने तक पकाइए। स्वाद बढ़ाने के लिए हमने इलायची लिया था, अब इसमें इलायची डालेंगे बाद में। एक उबाल आने तक इसको चलाते रहना गैस को। एक बार चेक कर लेना है चम्मच से कि हमारी सांसनी बनकर तैयार है या नहीं। चक्कर अभी तक गड़ी नहीं है, थोड़ा और चलाना गैस को। चक्कर गलने के बाद में धीरे धीरे चलाना है खुरपा को। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सांस नहीं बने या नहीं बने। अंगूली और इलायची पाउडर डाल देना है। अब हम एक तार की सांस नहीं बनानी है। अंगूली और अंगूठे के बीच में रख कर चेक करनी है एक तार की सांस नहीं बने या नहीं बने। नहीं बनी तो डाउस चलाइए गैस को। हमारी सांस ने बन कर तैयार हो गई है। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए दोनों हथेली थोड़ा चलाना है। दोज बनाने के लिए दोनों हथेली पर घी या तेल पानी भी लगा सकते हो बिना दरारे वाले। लगभग आपको 40 गुलाब जामुन बनाने हैं। पहले एक गुलाब जामुन को तेल में डालें, यदि वो बिखरता है तो घी या तेल की आंच थोड़ी कम कर दें। मीडियम घी को रखना है, घी या तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है।
मध्य आंच पे गुलाब जामुन को पकाना है, बिल्कुल ही दरार नहीं आनी चाहिए। 40 गोल बनाने हमको, आपके हिसाब से बड़े छोटे हो, ये देख सकते हो बिल्कुल भी क्रेक नहीं इसमें। क्रेक होगा तो आप हमारा गुलाब जामुन बन नहीं पाएगा। तेलिया घी लगाना दोनों हथेलिया में, पहले एक गुलाब जामुन देख सकते हो आप हमने बना लिए, कुछ और बाद में बनाएंगे हम, इसको पहले ट्राई कर लेते हैं कैसे बने कैसे नहीं बने। से करने के लिए हमको घी या तेल को गरम कर लेना है। हमारा तेल या घी गरम हो गया है, बराबर मीडियम पे रखना है गैस को, बराबर गरम करने हैं। इसमें एक डाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा कैसा बन रहा है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को तेल में डालें, यदि वो बिखर है तो घी तेल की आंच कम कर दें। धीरे से गुलाब जामुन को गर्म तेल में छोड़े और मध्य आंच पर छुनछुना होने तक तले, धीरे से चलाइए, बराबर हो जाए, एक साथ में कहीं जल ना जाए इसलिए मैं चला रहा हूँ कुरवा। और भी हमने डाल दिए, हमारा तेल बराबर है गरम, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है घी या तेल में, बराबर ही रहता है। मीडियम आंच को, मीडियम गैस को मीडियम ही रखना है आपको, ज़्यादा गैस हुआ तो फिर हमारे गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से सिक जाएंगे। गुलाब जामुन हमारा बनने वाला है अब, यदि अधिक तेल नहीं डालें, गुलाब जामुन को 20 मिनट हल्के नरम सांसनी में डालें। आपकी सांसनी ठंडी हो गई तो थोड़ा सा और गर्म कर लीजिए, कुछ और हम पकाएंगे इसको। अब इसको हम सांसनी में डालेंगे, लगभग 20-15 मिनट सांसनी में रहने दीजिए। सांसनी में डाल दिया हमने, आप देख लीजिए। अब कुछ और हम बनाएंगे इसके, कुछ हमारा पाउडर बसा हुआ था पहले, हम सेक करने के लिए बनाए थे, और इसको हमें दोनों हथेलियों के बीच में बनाने हैं। 40 गोल बनाने हैं आपको लगभग, आपके सबसे छोटे बड़े बिना दरारे वाले हमने बनवा लिए, और हम कुछ पका लेते इसको, कुछ बसे हुए उसको। आप देख सकते हो धीरे धीरे कर डालना है केकर को। गुलाब जामुन छोटा ही रखना आपको, ज़्यादा बड़ा फिर अंदर से कच्चा भी रह सकता है, इसलिए हमने भी छोटे बनवाए थे। छोटे बनाओ तो उसके 3 गुना बढ़ते हैं, फूलते हैं घी या तेल में, सांसने में भी फूलते हैं। गुलाब जामुन सांसने में डालने के बाद 3 गुना बड़े दिखते हैं। ये देख सकते हो हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार है। अब इसको हम चाशनी में डालेंगे, अधिक तेल नहीं होना चाहिए, तेल हो तो निधार ले, अधिक तेल हो तो। चाशनी में डाल दिया है,
20 मिनट तक हमको गुलाब जामुन बनाने के सांसने में रखने हैं। हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए है। आप देख सकते हो कुछ तरह का दिख रहा है। हेलो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें। आप भी दीपावली पर घर पर बना सकते हैं गुलाब जामुन। और भी कई प्रकार के मावे आते हैं, हमने नीलांश कंपनी का मावा यूज़ किया था, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया आपके साथ शेयर किया।